हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को कारुणिको जीमूत वाहन, वयम भारतीया और यवतु पाप संचया के जितने भी महत्वपूर्ण लघु उत्तरी प्रश्न है, सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। और मैंने पिछले वीडियो में आपको महात्मा गांधी के जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, वह भी मैंने बता दिया है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा और वहां से महात्मा गांधी से पूछे जाने वाले जितने भी मोस्ट आईएपी क्वेश्चन है उन्हें आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि सभी को मिलाकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको 4 ही चैप्टर से पूछा जाएगा क्वेश्चन। पहला महात्मा गांधी, दूसरा कारुणिको जीमूत वाहन, तीसरा यवतु पाप संचया और चौथा वयम भारतीया। इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में महात्मा गांधी से बता दिया है और इस वीडियो में 3 चैप्टर्स के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को बताने वाला हूं। ठीक है, और इस बार हमें धमाल मचा देना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इस बार हमें धमाल मचा देना है, 70 में 70 अंक लाना है। और मैं आप लोगों की संस्कृत की जो तैयारी है बहुत ही जोरों तोरों से करा रहा हूँ, फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस पर वीडियो जरूर बनाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कारुणिको जीमूत वाहन से कि जीमूत वाहन कस्य पुत्र आसीत। जीमूत वाहन कस्य पुत्र आसीत, जीमूत वाहन किसके पुत्र थे। ठीक है, तो जीमूत वाहन जीमूत केतु पुत्र आसीत, जीमूत वाहन जीमूत केतु के क्या थे, पुत्र थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, अगला जो प्रश्न है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, संक चूड़ क आसीत, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, संक चूड़ क आसीत। ठीक है, तो संक चूड़ एक नाग आसीत, शंखचूड़ कौन था, तो शंखचूड़ एक क्या था, नाग था। ठीक है, शंखचूड़ क आसीत, तो शंखचूड़ एक नाग आसीत। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि गरुड़ेनक, ठीक है, गरुड़ेनक व्यापादित, गरुड़ेनक व्यापादित। ठीक है, तो गरुड़ेन जीमूत वाहन व्यापादित, गरुड़ेन जीमूत वाहन व्यापादित, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हमारा कि जीमूत वाहन क आसीत, कि जीमूत वाहन क आसीत, जीमूत वाहन कौन था। ठीक है, जीमूत वाहन कौन था, तो जीमूत वाहन गंधर्वराज। ठीक है, जीमूत वाहन गंधर्वराज, जीमूत केतु पुत्र विद्याधर वंश तिलक च आसीत। ठीक है, तो इतना आपको लिखना होगा कि जीमूत वाहन गंधर्वराज, जीमूत केतु पुत्र विद्याधर वंश तिलक च आसीत। तो यह था जीमूत वाहन क आसीत। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि नागानंदस्य, ठीक है, नागानंदस्य नाटकस्य रचयिता क आसीत, नागानंदस्य, ठीक है, नागानंदस्य नाटकस्य रचयिता क आसीत। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि नागानंदस्य नाटकस्य रचयिता महाकवि हर्ष आसीत। इसे जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, नागानंदस्य नाटकस्य रचयिता महाकवि हर्ष आसीत, नागानंदस्य की नागानंदस्य नाटक के जो रचयिता है वो महाकवि हर्ष थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यवतु पाप संचय से, जीमूत वाहन से सिर्फ उतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो यवतु पाप संचय से पहला जो क्वेश्चन है वह कि सुमेधा कस्य तनया आसीत, सुमेधा किसकी पुत्री थी। ठीक है, सुमेधा कस्य तनया आसीत, तो सुमेधा विनयस्य तनया आसीत, सुमेधा विनय की पुत्री थी। ठीक है, तनया मतलब पुत्री, सुमेधा विनय की पुत्री थी। दूसरा प्रश्न है हमारा कि सुमेधायाम की गुड़ा आसन। देखिए, आपको यह क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आप इस चैप्टर्स को अच्छे से पढ़े होंगे। अगर आप चैप्टर्स को ही नहीं पढ़े हैं तब तो आपको रटना ही होगा। ठीक है, तब तो आपको रटना ही होगा और आपको समझने में भी कठिनाई होगी क्योंकि आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है। और अगर आपने अच्छे तरीके से इस चैप्टर को पढ़ा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप अच्छे से याद भी रख सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में जाकर लिख भी सकते हैं। लेकिन आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा बहुत तो याद करने में कठिनाई होगा ही होगा क्योंकि यह संस्कृत है। ठीक है, तो सुमेधायाम के गुणायासन, तो सुमेधा विदुषी सुसंस्कृता, ठीक है, विदुषी सुसंस्कृता सहनशीला सेवा भाविनी च इत्यादय गुणयुक्ता आसन। ठीक है, क्या हो जाएगा, सुमेधा विदुषी सुसंस्कृता सहनशीला सेवा भाविनी च इत्यादय गुणयुक्ता आसन।
तो यही था कि सुमेधायाम के गुणायासन, तो इतने सारे उसके गुण थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि रमानाथस्य, ठीक है, रमानाथस्य यहां पर देख सकते हैं कि रमानाथस्य गृहे कलह मूलम किम आसीत, रमानाथस्य गृहे कलह मूलम किम आसीत, तो रमानाथस्य गृहे यौतुकम एव कलह मूलम आसीत, यौतुकम एव, ठीक है, रमानाथस्य गृहे यौतुकम एव कलह मूलम आसीत। ठीक है, अगला प्रश्न है रमानाथाय रक्तम का अदात, रमानाथाय रक्तम का अदात, तो इसका उत्तर हो जाएगा रमानाथाय रक्तम सुमेधा अदात। ठीक है, रमानाथाय रक्तम का अदात, तो रमानाथाय रक्तम सुमेधा अदात। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि सुमेधा का आसीत, सुमेधा कौन थी, सुमेधा का आसीत, तो सुमेधा रमानाथस्य, ठीक है, सुमेधा रमानाथस्य ज्येष्ठ पुत्र वधु आसीत। ठीक है, सुमेधा रमानाथस्य ज्येष्ठ पुत्र वधु आसीत। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चपला का आसीत, ठीक है, चपला का आसीत, चपला का आसीत, तो चपला रमानाथस्य कनिष्ठा पुत्र वधु आसीत, चपला रमानाथस्य कनिष्ठा पुत्र वधु आसीत। अगला प्रश्न है कि रंभा कस्य भार्या, ठीक है, रंभा कस्य भार्या, रंभा कस्य भार्या, तो रंभा रमानाथस्य भार्या। ठीक है, रंभा रमानाथस्य भार्या। इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि चपलायाह पितुः किम नाम आसीत, चपलायाह पितुः किम नाम आसीत, तो चपलायाह पितुः नाम श्रेष्ठ दुर्गादास आसीत। ठीक है, चपला के पिता का क्या नाम था, दुर्गादास था। ठीक है, श्रेष्ठ दुर्गादास था। ठीक है, चपलायाह पिता पितु नाम श्रेष्ठ दुर्गादास आसीत। तो इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको यौतुक पाप संचय चैप्टर्स के, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला है। और अगला जो हमारा लास्ट चैप्टर है वह है वयम भारतीया। ठीक है, इससे भी कुछ थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि राम, राम कस्य पुत्र आसीत, राम किसका पुत्र था, सबको पता है राम दशरथस्य पुत्र आसीत। ठीक है, राम जो थे दशरथ के पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह क आसीत, गुरु गोविंद सिंह कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह कौन थे, सिखा नाम दसमो गुरु आसीत। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह सिखा नाम दसमो गुरु आसीत। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि दीप काय, दीप काय, दीप काय स्वरक्तम क दत्वान, दीप काय स्वरक्तम क दत्वान, तो दीप काय स्वरक्तम आफताब, आफताब दत्वान। ठीक है, याद रखिएगा, ये यहां से भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, दीप काय स्वरक्तम क दत्वान, तो दीप काय स्वरक्तम आफताब दत्वान। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि कस्य गृहे, कस्य गृहे ईद महोत्सव आसीत, कस्य गृहे ईद महोत्सव आसीत, तो आफताबस्य गृहे ईद महोत्सव आसीत, कस्य गृहे ईद महोत्सव आसीत, तो आफताबस्य, ठीक है, आफताबस्य गृहे ईद महोत्सव आसीत। अगला प्रश्न है ईश्वर, ठीक है, ईश्वर कुत्र तिष्ठति, ठीक है, ईश्वर कुत्र तिष्ठति, तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति। ठीक है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति। अगला प्रश्न है हमारा कि ईद महोत्सवम, ईद महोत्सवम जनेसु किम वर्धयति, ईद महोत्सवम जनेसु किम वर्धयति, तो ईद महोत्सव जनेसु भ्रातिभावम, ठीक है, भ्रातिभावम वर्धयति, ईद महोत्सव जनेसु भ्रातिभावम वर्धयति। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वह है कि होलिकोत्सव जनेसु किम किम जनयति। ठीक है, होलिकोत्सव जनेसु किम किम जनयति, तो होलिकोत्सव जनेसु प्रेम भावम शब्दावम च जनयति। ठीक है, होलिकोत्सव जनेसु प्रेम भावम शब्दावम च जनयति। तो इतने ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। मैंने जितना भी क्वेश्चन आपको बताया है तीन चैप्टर को मिलाकर, इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर आप इतना भी याद कर लेते हैं, इतना याद करके बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो 5 नंबर पाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आप इतना क्वेश्चन अब जरूर याद कीजिएगा। एग्जामिनर भी अगर पेपर बनाएगा तो इन्हीं क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन उठाकर आपके पेपर में लिखेगा ही लिखेगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिएगा
और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और इन क्वेश्चंस को आप याद करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको ही पछताना पड़ेगा। मैं आप सबके लिए ही यह क्वेश्चन लिखा था, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को याद करके ही बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।